विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रवण अष्टमी नवरात्रों के आठवें दिन महागौरी माता के रूप में ज्वाला माँ का पूजन किया गया। इस दिन हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए और माँ का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया। नवरात्रों में अष्टमी पूजन में ज्वाला माँ को हलवे और पूरी का भोग लगाया जाता है और बाद में कन्या पूजन किया जाता है। पुजारी अभिनेंद्र शर्मा ने कहा कि विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में अष्टमी नवरात्रि को माँ महागौरी के रूप में ज्वाला माँ का पूजन किया जाता है। इस दिन हजारों श्रद्धालुओं ने लाइनों में लगकर माँ के दर्शन किए और ज्वाला माँ को हलवे पूरी का भोग लगाया और फिर कन्या पूजन भी किया। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु ज्वाला माँ की पवित्र ज्योतियों के दर्शन के लिए लाइनों में लगकर ज्वाला माँ के जयकारे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्वाला माँ इन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे और इन सब की यात्रा सफल करे। श्रद्धालु ने कहा कि हम हर साल पंजाब से आते हैं ज्वाला माँ के मंदिर में। नवरात्रों में ज्वाला माँ अपने सब भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है और उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन का इंतजाम भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी प्रबंध किए हुए हैं। यूपी से आए हुए श्रद्धालु ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्रों में आए हुए हैं, प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है। सभी श्रद्धालुओं को लाइनों में लगकर दर्शन करवाए जा रहे हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में अष्टमी पूजन की धूम है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में अष्टमी पूजन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचे। आस्था का सैलाब मां के दरबार में उमड़ता नजर आया, जहां श्रद्धालुओं की आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। वहीं पर फूलों और रंग बिरंगे लाइटों से मंदिर की सजावट भी देखते ही बनती है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से विदेशों से श्रद्धालु माता के दरबार में अष्टमी पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु अष्टमी के इस पावन उपलक्ष पर कन्या पूजन करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कहा जाता है कि अष्टमी का दिन माँ का सर्वप्रिय दिन है। इस दिन माता जी को कढ़ाई का भोग लगता है और जो भी श्रद्धालु अष्टमी के दिन व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। श्रवण अष्टमी का विशेष महत्व है। श्रद्धालु झंडा चढ़ाने की रस्म और कढ़ाई, कन्या पूजन, हवन करके अपना जीवन धन्य करते हैं। श्री हरि कथा रथ योजना एकल विद्यालय के माध्यम से श्री राम का रथ अयोध्या से संचालित होकर भाग नूरपुर अंचल नूरपुर संच रेहन के माध्यम से गांव-गांव में भगवान राम के दर्शन करवा रहे हैं। इसी के तहत एकल अभियान द्वारा हरि कथा रथ योजना का समारोह नूरपुर के बोर्ड में हुआ। रथ द्वारा पूरे नूरपुर भाग के सभी अंचलों में यात्रा द्वारा लोगों को गांव-गांव में जाकर अपने धर्म संस्कृति का प्रसार किया जाएगा। नूरपुर के बोर्ड में सत्संग के माध्यम से लोगों को संस्कृति की अलग जगाई गई। लोगों को बताया गया कि हमें अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत रामपुर वन वृत्त के तहत शिंगला सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शिक्षा व वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से चलाए जा रहे इस पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर पद्म सिंह ठाकुर ने किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद समेत अन्य न्यायिक एवं वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पद्म सिंह ठाकुर ने स्कूली बच्चों को वनों के महत्व और भविष्य में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ पौधों की क्या भूमिका रहेगी विस्तार से बताया। उन्होंने स्कूली बच्चों को बताया कि जिन पौधों को वे रोप रहे हैं उनकी देखभाल का भी संकल्प लें और लोगों को भी वन संरक्षण के लिए प्रेरित करें। वन मुख्य अरण्यपाल अनिल ठाकुर ने बताया कि विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत किन्नौर, रामपुर, आनी व कोटगढ़ के 15 स्कूलों का चयन किया गया है, जहां 18 हेक्टेयर क्षेत्र में 20,000 पौधारोपण किया जाना है। ये प्रयास स्कूली बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजगता लाने के लिए किया गया है, ताकि वे वनों को बचाने में अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि कक्षा 6 व 7 में पढ़ने वाले बच्चे पौधारोपण करने के बाद जब तक वे 5-6 वर्ष
संबंधित स्कूल में है पौधारोपण के बाद उनका ध्यान भी रखेंगे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर निखिल अग्रवाल ने बताया कि पौधारोपण का शुभारंभ रामपुर के शिंगला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदम सिंह ठाकुर ने किया। इस दौरान न्यायिक एवं वन अधिकारी भी मौजूद रहे। पौधारोपण के दौरान छात्रों को बताया गया कि वातावरण को स्वच्छ रखने में पेड़ पौधों का क्या महत्व रहता है। दूसरा स्कूल के छठी व सातवीं कक्षा के बच्चे पौधारोपण करेंगे तो वे बारहवीं कक्षा तक स्कूल के आसपास रोपे गए पेड़ पौधों का ख्याल भी रखेंगे। स्कूली छात्रा संध्या शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत शिंगला स्कूल के आसपास पौधारोपण कर रहे हैं। छात्रा ने बताया कि मौजूदा परिपेक्ष में पेड़ पौधों का कितना महत्व है वे बिखू भी जानते हैं, इसलिए वे पौधे लगाकर इनका संरक्षण भी करेंगे और लोगों को भी पर्यावरण व संरक्षण के प्रति सचेत करेंगे। सोलन के एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक पुलिस चौकी सपरून के अंतर्गत ग्राम पंचायत तोप की बेड के गांव मल्लोक का रहने वाला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल में पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक दीपक कुमार ने बीती रात्रि को कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। सुबह जब परिजनों द्वारा उसको आवाज लगाई गई तब वे बाहर नहीं आया। तब परिजनों ने कमरे के दरवाजे की जाली से अंदर देखा तो पाया कि उनके बेटे ने कमरे में लगे पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने दरवाजे की जाली काट कर अंदर प्रवेश किया, साथ ही हादसे की सूचना पुलिस को दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस ने जांच में पाया कि 26 वर्षीय युवक दीपक ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों की जाँच चल रही है।